आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम ये जो बुक है कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, इसका ऑथर भी विलियम चैलेंज है, इससे है। हमारे जो पहले लेक्चर्स थे वो अभी तक हो गए हैं क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्स्ट बुक से, और वो टेक्स्ट बुक भी आई मीन इसी ऑथर की थी। अभी जो आज का लेक्चर है वो हम कंप्यूटर सिक्योरिटी से करेंगे, और ये डिफरेंट बुक है उससे, लेकिन इसका ऑथर भी विलियम चैलेंज ही है। हमारा जो आज का लेक्चर है वो असल में है मलेशियस सॉफ्टवेयर के बारे में। मलेशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाहिर है कि पता चल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर पीस ऑफ प्रोग्राम है जो मलेशियस इंटेंशंस के लिए डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए। सही है, मलेशियस मीन्स बैड इंटेंशंस। ऐसा प्रोग्राम जिसको बनाते हुए उसका जो पर्पज है वो बैड पर्पज का गया हो कि ठीक है हम इसे चोरी करेंगे, हैकिंग करेंगे या कोई भी इस तरह के काम करेंगे। तो लेट्स हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन। अब मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर भी कहते हैं। माल से मतलब मलिशियस, वेयर फ्रॉम सॉफ्टवेयर, मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर, तो हम इसको छोटा करके मालवेयर कह देते हैं। तो मालवेयर की डेफिनेशन है वो है अ प्रोग्राम दैट इज इंसर्टेड इनटू अ सिस्टम यूजुअली कवर्टली, मींस छुपा के या फिर लेट्स से बेस बदल के, with the intent of compromising the confidentiality, integrity and availability। ये आपको याद होगा CIA, तीन basic security characteristics थी ना, compromising the CIA of the victim's data, application or operating system, or otherwise annoying or disrupting the victim। तब इसका ये है कि ऐसा प्रोग्राम पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर के अंदर कॉपी किया जाए उसके ऑनर के इलम में लाए बगैर, और उस सॉफ्टवेयर का जो मकसद है या तो वो ये हो कि वो जो जिस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कॉपी किया गया है उसका जो ऑनर है उस पे कंप्यूटर पे जो डेटा पड़ा है उस पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इन तीनों या तीनों में से किसी एक को कंप्रोमाइज करना, मतलब लेट्स से उसका जो डेटा है वो चोरी करना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर अगर उसका जो मकसद है चोरी करना नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वो जस्ट उसका जो जो उसकी प्रेजेंस है उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर की उस कंप्यूटर के अंदर वो अनॉइंग हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कह लें कि ब्राउजर के अंदर बाज का तो इस तरह की सॉफ्टवेयर चालू हो जाती है कि जो बाज बार बार आपको पॉप दिखाते हैं, पॉपअप बार बार एक डाटा बॉक्स ओपन करेगा, आप क्लोज करेंगे फिर ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज करेंगे थोड़ी देर बाद फिर ओपन हो जाएगा। तो दिस इज रियली अनॉइंग, अनॉइंग भी है, फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें कह लेंगे डिस्टर्बेंस भी आपको क्रिएट करता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर उसको हम कहते हैं मालवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर। अब ये चंद डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजीज है मालवेयर के बारे में, मैं इनकी बार अब इनको तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर इनको एक एक पढ़ने को बैठ गए तो फिर आधा घंटा इसमें लग जाएगा, तो ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो लेट मी जस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड के जो हम मालवेयर्स के बारे में प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अब मालवेयर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं? अब दो तरीके हैं, या तो फिर आप मालवेयर क्लासिफाई करें, उनको कैटेगराइज करें बेस्ड ऑन टू कैटेगरीज। पहला है कि जो मालवेयर है वो टारगेट सिस्टम तक स्प्रेड कैसे करेगा, पहुंचेगा कैसे, बेस्ड फर्स्ट ऑन हाउ इट स्प्रेड्स और प्रोपगेट्स टू रीच द डिजायर्ड टारगेट। कि जिस कंप्यूटर के अंदर मालवेयर जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, उस कंप्यूटर तक कैसे आपने आपको पहुंचाएगा या आप कॉपी करेगा, एक ही तरीका है। या फिर एक और कह लें कि फैक्टर की बेस पे आप मालवेयर को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि जब एक मालवेयर उस कंप्यूटर के ऊपर पहुंच जाएगा तो उस कंप्यूटर पे जाके वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको कहते हैं पेलोड, पेलोड ऑफ द मालवेयर। अब पेलोड शायद आप लोगों को पता होगा, इल्म में हो कि एयरफोर्स की लैंग्वेज, एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी में पेलोड का मतलब ये होता है कि जब आप जाते हैं ना, जब आपका कह लें कि एयरक्राफ्ट गया अटैक करने के लिए, उसके साथ कुछ जो एमुनेशन या मिसाइल्स अटैच होती है उनको कहते हैं पेलोड। अब चूंकि एयरक्राफ्ट जब अटैक करने जा रहा है तो उसका जो पर्पज है वो अटैक करना है ना,
अटैक करने के लिए यूज करता है वो उसको अपने एमिनेशन को या जो मिसाइल्स लगे होते हैं फ्रांसों के, तो इसलिए उनको पेलोड कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह उसके अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही मालवेयर के अंदर, मालवेयर एक कंप्यूटर पर जब जब कॉपी हो जाएगा या लेट से इंस्टॉल हो जाएगा तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, दैट एक्शन इज कॉल्ड पेलोड। तो जो मालवेयर हैं उस कंप्यूटर के ऊपर, मशीन के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे भी हम मालवेयर को कैटेगराइज या क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर चौथे तरीके भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मालवेयर को उसके बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या इसको मालवेयर को सस्टेन करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो जो वायरस है, जो कंप्यूटर वायरस है, वो एज अ स्टैंड अलोन फाइल एग्जिस्ट आई मीन सर्वाइव नहीं करते। जो कंप्यूटर वायरसेज हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किसी फाइल को इन्फेक्ट करना लाजमी है। कंप्यूटर वायरस के लिए ये लाजमी है कि जब वो किसी कंप्यूटर पर कॉपी होंगे तो वो किसी फाइल का हिस्सा बन जाएंगे। इसका मतलब है वो उस फाइल को इन्फेक्ट करेंगे वायरसेस। तो आप इसमें भी ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या किसी जो मालवेयर है उसको सस्टेन करने के लिए क्या किसी होस्ट फाइल की या प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है। या फिर उसमें ये भी है कि आप उस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या वो जो मालवेयर हैं क्या वो सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स हैं। मतलब ये कि हो सकता है इन दिस केस जो सेल्फ कंटेन्ड है वो जो मालवेयर हैं उनको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही एग्जिस्ट सस्टेन कर सकते हैं। फिर कुछ मालवेयर ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते। मतलब ये कि जब एक बार वो इंस्टॉल हो गए तो वो सिंगल वही उनका वो जो फाइल रहेगी, अगर आप उस फाइल को उस कंप्यूटर से रिमूव कर देंगे तो वो मालवेयर वहां से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मालवेयर है वो अपने रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपने आप को कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ मालवेयर ऐसे होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी जो अपनी कॉपीज खुद से ही बनाते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वायरसेस और जो वर्म्स हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। अगर आप एंटीवायरस की मदद से एक कंप्यूटर से लेट से एक कंप्यूटर में 100 वायरसेस या फिर वर्म्स हैं, अगर आप उन उस कंप्यूटर में से 100 में से 99 वायरस या वर्म्स निकाल लेंगे, एक बच जाएगा, तो वो जो एक वायरस है वो फिर दोबारा से बाकी फाइल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में जस्ट 100 ट्रोजन हॉर्सेस हैं और आप 100 के 100 में से 99 को रिमूव कर देते हैं तो वो जो एक ट्रोजन हॉर्स बच गया वो एक ही रहेगा, अपने आप को रेप्लिकेट अपने कॉपी नहीं करेगा, अपने कॉपीज आगे जनरेट नहीं करेगा। सही हो गया, आई होप यहां तक क्लियर है जो डेफिनेशन है। अच्छा, अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो मालवेयर्स हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू बाकी सिस्टम तक फैलते हैं, हमें किस तरह बाकी सिस्टम्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब कुछ मालवेयर्स ऐसे हैं जो एक अलग से फाइल को इन्फेक्ट करेंगे और जब वो इन्फेक्टेड फाइल आप उस इन्फेक्टेड सिस्टम से किसी हेल्दी सिस्टम पे कॉपी करेंगे तो वो जो मालवेयर है उस सिस्टम से हेल्दी सिस्टम तक पहुंच जाएगा। तो अब जब उस फाइल को आप उस हेल्दी सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो जो बाकी उस हेल्दी सिस्टम के ऊपर जो हेल्दी फाइल्स हैं वो भी आप उस मालवेयर से इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जब जिस तरह का वायरस है, जो कंप्यूटर वायरस है, अब लेट्स से आपका सिस्टम है, आपका ये सिस्टम है, ये आपका हेल्दी सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका, ये आपका इन्फेक्टेड सिस्टम है, इन्फेक्टेड है, ये आपका हेल्दी सिस्टम है। अब यहाँ पे यहाँ से एक फाइल है, अब वो फाइल ज़्यादा इन्फेक्टेड है, अब आप उस फाइल को आप यूएसबी के थ्रू कॉपी करें या थ्रू ईमेल भेजें सिस्टम के ऊपर, व्हाटएवर जो भी है, लेट्स से आपने यूएसबी से कॉपी किया, क्योंकि जो सबसे जो कॉमन वेज ऑफ स्प्रेडिंग मालवेयर्स है वो थ्रू यूएसबी है या फिर थ्रू ईमेल्स है, कि आप ईमेल पे आपको ईमेल आई आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो फिर जो मालवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। लेट्स से हम यूएसबी बात करते हैं, आपने यूएसबी यहाँ प्लग की, यूएसबी पे आपने वो जो फाइल कॉपी की, अब आपको पता कि आपका ये जो सिस्टम है इन्फेक्टेड है, अब वो फाइल आपने कॉपी की यूएसबी के अंदर, तो यूएसबी के अंदर वो इन्फेक्टेड फाइल कॉपी होगी, अब उस इन्फेक्टेड फाइल के अंदर वो जो वायरस भी मौजूद है। अब जब आप ये यूएसबी इस सिस्टम पर लगाएंगे जो हेल्दी सिस्टम है और आप फाइल कॉपी करते हैं सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, जो इन्फेक्टेड फाइल है सिस्टम कॉपी हो जाएगी,
तो अब वो जो इन्फेक्टेड फाइल सिस्टम के अंदर आ गए, जिसका मतलब है जो जो कंप्यूटर वायरस है वो भी सिस्टम इस हेल्दी सिस्टम के अंदर आ गया। तो अब वो क्या करेगा, वो जो कंप्यूटर वायरस है वो जो बाकी फाइल्स है उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो द सिस्टम इज नॉट हेल्दी एनी मोर। तो अब ये सिस्टम भी इन्फेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे सॉफ्ट मालवेयर्स हैं जो कि फाइल्स को इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू फैलने की बजाय जो उस सिस्टम की जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो सिस्टम की वीकनेसेस हैं, लेट से आइदर वो जो वल्नरेबिलिटीज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हो या फिर वो जो वल्नरेबिलिटीज है वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर के ऊपर उसकी हो, जो वो वल्नरेबिलिटीज है उनके थ्रू उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं और अपने को कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दी एक्सप्लॉइट ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज बाय वर्म्स और ड्राइव बाय डाउनलोड्स टू अलाउ द मालवेयर टू रेप्लिकेट। तब मिसाल के तौर पर आपके सिस्टम अलग से उसने आपके कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वल्नरेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल वो वल्नरेबिलिटी ये अलग से हो सकती है इन सिंपलेस्ट वर्ड्स कि वो किसी पोर्ट के ऊपर के जो कनेक्शन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो लिसन कर रहा है। अब वो जो पोर्ट है लेट्स से दैट पोर्ट नॉट नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय योर फायरवॉल, तो अब वो अगर वो जो जो हैकर है लेट्स से उसको लग जाए पता कि जो इसकी सिस्टम है इस पोर्ट को लिसन कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उस पर जो भी वो जो डेटा आएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो क्या करेगा, वो आपको उस पोर्ट के ऊपर जो डेटा है वो भेज देगा। तब क्या होगा, आपका जो जो वर्म है आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। अब ये अगर कुछ कुछ पल मालवेयर्स हैं जो कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को कहते हैं। अब कुछ मालवेयर्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन कह लें कि मिस्टेक है, एरर है, उसकी वजह से फैलते हैं। अब उसको कहते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग थ्रू मतलब ये, एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम कोई फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तो उस फ्री सॉफ्टवेयर के साथ कोई ऐसा फ्रीवेयर उस पैकेज के अंदर होता है जो हमारी नजरों में नहीं आता, तो जब हम उस फ्री सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो जो मालवेयर है वो भी उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ मालवेयर ऐसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो क्या करेंगे, वो आपका अगर उसके अंदर मालवेयर है उस पैकेज के अंदर, तो वो आपका जो आपका ब्राउजर है आपका जो ब्राउजर में जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो चेंज कर देंगे। अब वो आपको बड़ी बड़ी आपको अलॉय होंगे कलर से आपने जो सर्च करने की कोशिश की गूगल के थ्रू, जब आपने कोई क्रोम पे सर्च की एड्रेस बार के अंदर लिख के, तब वो किसी और से सर्च इंजन के थ्रू होंगे, ये हो सकता है। या फिर मुझे भी याद पड़ता है, मुझे भी मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी कि कौन सा सॉफ्टवेयर था। खैर होता तो ये है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो हम वहाँ डाटा क्रॉस के ऊपर चीज़ें आ रही है हम उनको पढ़ते नहीं है, हम जस्ट नेक्स्ट 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 क्लिक करते रहते हैं बस, या फिर एंटर किया, एंटर 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 प्रेस किया हमने तो जल्दी ही नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाता है। तो बीच में वो जो एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें उधर लिखा होता है कि क्या आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो उसके अंदर जो चेक बॉक्स होता है वो ऑलरेडी चेक होता है। अब होना ये चाहिए कि जो चेक बॉक्स है वो ऑलरेडी अनचेक हो, लेकिन वो इतने तेज लोग हैं कि वो चेक बॉक्स है ऑलरेडी चेक होगा, तो जब आप वो बगैर देखे बगैर पढ़े नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे ना है, तो इसका मतलब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ठीक है कि जो मालवेयर है हमें, हाँ वो उसको मालवेयर नहीं कहते, वो जो उसके ऑनर्स हैं उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे एडिशनल सॉफ्टवेयर, लेकिन हमारे लिए चूंकि वो नाइंग नाइंग होगा सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए वो मालवेयर है। तो जब हम नेक्स्ट टेस्ट करते जाएंगे तो फिर वो जो मालवेयर है वो फ्री सॉफ्टवेयर के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम लोग फिर बाद में एहसास होगा ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, हम बाद में ढूंढते फिरेंगे, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होगा कि जब हम वो बगैर देखे नेक्स्ट 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 क्लिक किए जा रहे थे या एंटर किए प्रेस किए जा रहे थे उस सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी इंस्टॉल करने में, तब हमने खुद ही माल करके उस चॉइस कर लिया। सही। अब उसके बाद हम देखते हैं पेलोड। अब पेलोड एक्शंस परफॉर्म्ड बाय मालवेयर वंस इट रीचेस अ टारगेट सिस्टम और होस्ट कैन इंक्लूड जो डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स हैं, लेट्स सी वो वाले काम जो एक मालवेयर सिस्टम पे परफॉर्म कर सकता है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला काम तो सिंपलेस्ट काम ये हो सकता है कि जो मालवेयर है उस सिस्टम के ऊपर जो डेटा फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देगा,
अब उन फाइल्स को इस तरह मॉडिफाई कर देगा कर देगा कि वो जो फाइल्स है वो यूजर के यूज करने के काबिल नहीं रहती। अब उन फाइल्स को हो सकता है डिलीट भी कर दे, ठीक है, करप्ट कर देगा, वो यूजेबल नहीं रहती यूजर के लिए। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो वो जो मालवेयर है उस सिस्टम के अंदर से जो डेटा है उसको चोरी करके हैकर्स को रिमोटली भेज रहा हो, ठीक है। आई मीन थेफ्ट ऑफ सर्विस या फिर ये भी हो सकता है मेक द सिस्टम अ ज़ॉम्बी एजेंट ऑफ अटैक एज पार्ट ऑफ अ बॉटनेट। अब आपको याद होगा जब हमने डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पढ़ा था ना, तो डॉस अटैक में हम देखा था बॉटनेट क्या होता है। बॉटनेट आप यूज करते हैं जब आप कह लेंगे एक नेटवर्क ऑफ लेट्स से रोबोट्स बना रहे थे, दैट्स कॉल्ड बॉटनेट। रोबोट इन दिस केस मींस कि ऐसी काफी सारी मशीन्स का नेटवर्क जिनके अंदर वो एक जो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ट्रोजन हॉर्स है लेट्स से वो इंस्टॉल है उसके अंदर, ऐसी काफी सारी मशीन्स। और ज़ॉम्बी एजेंट भी जो अब जब उन ज़ॉम्बी एजेंट से कहते हैं ऐसी मशीन्स के अंदर वो जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म करने के लिए उसको ज़ॉम्बी कहेंगे। अब जो काफी सारे ज़ॉम्बीज आपस में एक नेटवर्क बना लेंगे ना तो उसे हम बॉटनेट कहेंगे। अब वो जो जो पेलोड है उस मालवेयर का ये भी हो सकता है कि वो जो सिस्टम है उसको एक बॉटनेट का हिस्सा बना दिया जाए जिसके अंदर वो इंस्टॉल है ताकि डॉस अटैक परफॉर्म किया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट वाज थेफ्ट ऑफ सर्विस, क्या आप जो वो काम कर रहा है सिस्टम उसकी सर्विसेज को आप चोरी करते हैं। बट इन दिस केस थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ये है कि उस जो सिस्टम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आप टाइपिंग कर रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड नंबर सेव है सिस्टम के अंदर, आपकी जो एड्रेस बुक सेव है सिस्टम के अंदर, उस डेटा को चोरी करके कॉपी करके तो हैकर्स को भेजना। अब ये जो चीज़ है ये स्पाइवेयर के थ्रू की जा सकती है और ये की लॉगर्स हैं, की लॉगर सॉफ्टवेयर उनके थ्रू की जा सकती है। स्टेल्थिंग हाइडिंग इट्स प्रेजेंस ऑन द सिस्टम, कि आपके सिस्टम पे भी मौजूद होते हैं उनका पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रूट किट, रूट किट ऐसी वो सब मालवेयर है जो आपके सिस्टम में मौजूद है बट यू डोंट नो इट। अब करप्शन ऑफ सिस्टम और डेटा फाइल में आपका जो मालवेयर है वो आपका वायरस हो जाता है वायरस, ठीक है, या फिर आपका वो जो आपने पढ़ा था जिसके बारे में आपने केस स्टडी की थी रैंसमवेयर, वो रैंसमवेयर हो सकता है। अब ये जो थेफ्ट ऑफ सर्विस है या फिर मेक द सिस्टम और ज़ॉम्बी एजेंट ऑफ अटैक एज पार्ट ऑफ बॉटनेट, इसके अंदर आपकी ट्रोजन हॉर्स तो नहीं आएंगे मेरा ख्याल है, लेकिन है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं जो डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको स्पाइवेयर आ जाएगा, की लॉगर आ जाएगा और इसके अंदर रूट किट आ जाएगा।